हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पायनियर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश गया। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डील विद एन एक्सरसाइज ऑन आर्टिकल्स। हम आज आर्टिकल्स पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देंगे जिसकी जरूरत आपको प्राय पड़ती है। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप में से जो भी आज मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को टच कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं कैसे आर्टिकल को सही सही भरें या आर्टिकल से संबंधित एरर्स को कैसे पकड़ें। क्वेश्चन नंबर वन, वेयर डिड यू बाय अम्ब्रेला। फ्रेंड्स, यदि यहां डिड की जगह डू रहता तो स्पीकर किसी भी छाते के बारे में पूछता, वेयर डू यू बाय एन अम्ब्रेला, आप छाता कहां से खरीदते हैं, कोई भी। बट यहां डिड का अर्थ बता रहा है कि छाता अम्ब्रेला सामने वाले के हाथ में है, एंड इसी पर्टिकुलर अम्ब्रेला के बारे में पूछ रहा है, ये वाली छाता आपने कहां से खरीदी। हेंस इट इज पर्टिकुलराइज्ड। द करेक्ट आर्टिकल जो यहां भरना चाहिए वो द होगा। वेयर डिड यू बाय दी अम्ब्रेला। शी हैज नो हैक। याद रखें स्टूडेंट्स, नो के साथ कोई भी डिटरमाइनर, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सो शी हैज नो हैक, यहां ब्लैंक स्पेस को हम छोड़ देंगे। लेकिन यदि नो हैट की जगह नॉट हैट होता तो नॉट डिटरमाइनर लेता है, आर्टिकल लेता है, तो यहां हम नॉट ए हैट करेंगे। यानी आपका सेंटेंस होगा नंबर टू में, शी हैज नो हैट और शी हैज नॉट ए हैट। थर्ड एग्जाम्पल को देखिए, शी वेंट ऑन ट्रेवल, शी वेंट ऑन जर्नी। ट्रेवल और जर्नी दोनों का अर्थ यात्रा होता है, बट ट्रेवल इज एन अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि ये एक भाव है, एक आइडिया है, एंड जर्नी एक प्रकार है, इट्स ए कॉमन नाउन। तो ट्रेवल के पहले नो आर्टिकल और जर्नी के पहले आ का प्रयोग करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस इज शी वेंट ऑन ट्रेवल और शी वेंट ऑन अ जर्नी। सेंटेंस नंबर फाइव, सेट बैक क्लॉक। घड़ी को पीछे कर दो। भाई, किसी भी घड़ी को पीछे करने के लिए आपसे नहीं कहा जाएगा, वही घड़ी जो सामने पड़ी है, जो सामने टेबल पर रखी है। हेंस इट इज पर्टिकुलराइज्ड। सो द राइट आर्टिकल विल बी द, सेट बैक द क्लॉक। नंबर सिक्स, ही गेट्स हैंडसम पे। इसका दूसरा विकल्प है हैंडसम सैलरी। पे और सैलरी दोनों का अर्थ स्टूडेंट होता है तनख्वाह, माहवार, जो आप काम करते हैं उसका पारिश्रमिक। पे एज ए नाउन इज अनकाउंटेबल, सो इट विल टेक नो आर्टिकल इन द जनरल सेंस, बट सैलरी इज काउंटेबल सिंगुलर, इट विल टेक अ। सो इन द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस वी विल यूज नो आर्टिकल, बट इन द सेकेंड वन वी विल यूज अ। हियर्स द सेंटेंस दैट वी हैव, ही गेट्स हैंडसम पे और ही गेट्स अ हैंडसम सैलरी। नंबर सेवन, आई लाइक लिविंग इन एयर। एयर को पर्टिकुलर कर रहा है एडजेक्टिव ओपन। भाई, कैसी हवा में, ओपन एयर में, यहां पर्टिकुलराइज है एज टू विच एयर। हेंस वी विल यूज द करेक्ट सेंटेंस इज आई लाइक लिविंग इन द ओपन एयर। नंबर एट, टैगोर वॉज पोएट एंड थिंकर। हियर इन दिस सेंटेंस वी हैव गॉट टू सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, वन इज पोएट द अदर इज थिंकर, एंड बोथ द नाउन्स स्टैंड फॉर वन पर्सन। याद रखें, जब भी एक से ज्यादा नाउन किसी एक पर्सन के लिए स्टैंड करे तो आर्टिकल का प्रयोग एक बार होता है, वो चाहे ए एन हो चाहे द हो, और यदि वो कई व्यक्तियों के लिए आ रहा हो तो हर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पोएट एक ही व्यक्ति है टैगोर, थिंकर भी टैगोर ही है, अतः आर्टिकल हम एक बार लाएंगे फर्स्ट वन के पहले। कौन से पोएट नहीं क्लियर है, बहुत सारे कवि हैं उनमें से ये कोई भी है, बहुत सारे थिंकर्स हैं उनमें से ये कोई भी है, अतः ए का प्रयोग होगा बिफोर द फर्स्ट नाउन। टैगोर वॉज अ पोएट एंड थिंकर। नंबर नाइन, ही सेट
हाउस ऑन फायर, अर्थात उसने घर में आग लगा दी। भाई किसी के भी घर में आग नहीं लगाएगा, या तो अपने दुश्मन के घर या अपने ही घर में लगाएगा। मीन्स क्वाइट क्लियर एज टू विच हाउस, किस घर में उसने आग लगाई। हेंस द हाउस इज पर्टिकुलराइज्ड हियर, यूज द सेट द हाउस ऑन फायर। यहाँ एब्स्ट्रैक्शन है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन गिविंग एन एब्स्ट्रैक्शन, टेक्स नो आर्टिकल। हेंस ऑन फायर विल टेक नो आर्टिकल। द सेंटेंस इज ही सेट द हाउस ऑन फायर। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, फायर को आगे ले आए और हाउस को पीछे कर दे। ही सेट फायर टू द हाउस, ही सेट फायर टू द हाउस। नंबर 10, शी इज मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी। जनरली एक धारणा है कि मोस्ट जिस एडजेक्टिव में लगा हो वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, उसके साथ द लगाते हैं। लेकिन याद रखें, जब तक वाक्य में सुपरलेटिव पॉइंटर ना हो तब तक द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मोस्ट वहां वेरी का ही अर्थ रखता है, और यदि उस एडजेक्टिव के बाद एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आ होगा। यहाँ कोई सुपरलेटिव पॉइंटर ऑफ ऑल, हियर, देयर, इन द विलेज, इन द टाउन नहीं है, अतः यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। सो द करेक्ट आर्टिकल विल बी अ। द सेंटेंस शुड बी शी इज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, बट इन द लास्ट सेंटेंस शी इज मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी हियर, हियर वी हैव गॉट अ सुपरलेटिव डिग्री पॉइंटर। यहाँ हियर स्पष्ट करता है कि ये महिला यहाँ उपस्थित, यहाँ मौजूद सारी महिलाओं में सर्वसुंदरी है, अतः वैसी स्थिति में आप मोस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे। नाउ कम टू नंबर 12, ही इज बेस्ट बॉय ऑफ ऑल। स्टूडेंट, जब आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ईएसटी सफिक्स वाला हो तो पॉइंटर हो अथवा ना हो, सवाल आर्टिकल भरने का हो तो आप द लगा दें। लेकिन यदि सवाल कॉमन ईरर का हो, सेंटेंस दिया हुआ हो ही इज द बेस्ट बॉय बिना पॉइंटर के, तो फिर आपका द बेस्ट गलत है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन इज नॉट क्लियर। वैसे स्थिति में आप करेक्शन करेंगे, ही इज द बेस्ट बॉय की जगह पर ही इज अ वेरी गुड बॉय। चूंकि यहां एक्सरसाइज आर्टिकल का है, ऑफ ऑल दिया भी है, नहीं भी दिया हो, ईएसटी एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। हेंस द सेंटेंस ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल, और ही इज द बेस्ट बॉय। नंबर 13, शी इज बेटर ऑफ टू गर्ल्स। याद रखें, जब भी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद ऑफ प्लस टू पर्संस हो, ऑफ प्लस टू पर्संस हो, तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और संख्या न्यूमरल टू के पहले यदि कोई डिटरमाइनर ना हो तो वहां भी द का प्रयोग करेंगे। यहाँ यदि दीज होता, दोज होता, माई होता, तो फिर आर्टिकल के जगह हम डिटरमाइनर जो भी होता उसका प्रयोग करते। चूंकि डिटरमाइनर नहीं है, हमारा सेंटेंस होगा शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। नंबर 14, जब भी आपके सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेज हो और हर क्लॉज की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब से हो रहा हो, तो हर कंपैरेटिव के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। हेंस द सेंटेंस द मोर यू गेट द मोर यू वांट। नंबर 15, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, ये डिटरमाइनर्स हैं। ठीक इसी तरह से अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये भी डिटरमाइनर्स। याद रखें, जब भी किसी की मात्रा, किसी की संख्या डिटरमाइनर के द्वारा दिखाया जाए तो दो तरह के प्रमास होंगे। एक होगा क्लोज्ड एंड, उनमें से एक, उनमें से अधिकांश, तो ये हमेशा डेफिनेट होगा। और एक ओपन होगा, ढेर सारे, बहुत सारे, वन ऑफ के जगह पर ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ। तो जहां भी ओपन अर्थ में डिटरमाइनर जाएगा, खुल करके ढेर सारा बताएगा, वहां आने वाले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। लेकिन जहां क्लोज सेंस में आएगा, उनमें से अधिकांश में से कोई एक दो, तो वहां द का प्रयोग होगा। सो स्टूडेंट्स देखें, नंबर 15 में वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, क्लोज इन आ रहा है, वन ऑफ द बॉयज इज राजीव कुमार। ही नीड्स ए लॉट ऑफ मनी, ढेर सारे, इसकी कोई सीमा नहीं।
नहीं है, ही नीड्स ए लॉट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल नॉन है, अतः इसके पहले किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी। 17 आई नो सेकंड बॉय, जब भी ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव का काम करे, यहाँ बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, हमेशा द लगाइए, आई नो द सेकंड बॉय। नंबर 18 ही स्टूड सेकंड इन द एग्जामिनेशन, और जब भी ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे नंबर यदि वर्ब को मॉडिफाई करे, मीन्स एडवर्ब का काम करे, तो कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करे। यहां आप ऑर्डिनल नंबर सेकंड क्रिया स्टूड को मॉडिफाई कर रहा, अतः इसके साथ किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी। सेंटेंस इज ही स्टूड सेकंड इन द एग्जामिनेशन। नंबर 19 अर्थ मूव्स राउंड सन, जब भी आप प्लैनेट्स को ही अर्थ में लें तो हमेशा उसके पहले द का प्रयोग करें। हेंस द अर्थ मूव्स राउंड द सन। लेकिन जैसे ही प्लैनेट को आप होम के रूप में लें, मैं पृथ्वी पर, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, एक दिन हम लोग चांद पर रहेंगे, जब भी प्लैनेट का अर्थ सैटेलाइट का होम के सेंस में प्रयोग किया जाए, तो वैसे स्थिति में प्रीपोजिशन ऑन आएगा और उस प्लैनेट के पहले, उस सैटेलाइट के पहले, उस हेवेनली बॉडी के पहले किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी। हेंस द सेंटेंस नंबर 20 विल बी वी लीव ऑन अर्थ। वेल फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।